नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हाईवे पर हिंदुओं के देवी देवता और धार्मिक नामों वाले होटल व ढाबे चला रहे मुस्लिम समाज के लोगों को होटल के नाम बदलने की नसीहत दी। आपको बता दें, उत्तर भारत की सबसे बड़ी धार्मिक कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है। कांवड़ तीर्थ हरिद्वार से गंगा जल लेकर चलते हैं। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का कहना है कि मुस्लिम वर्ग के लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम और फोटो का प्रयोग करके इसका संचालन कर रहे हैं, जिससे कांवड़ती और सनातन धर्म को मानने वाले लोग वैष्णो ढाबा समझकर खाना खाते हैं। यात्रा के दौरान कांवड़तियों को मीट मसाले से लेकर लहसुन और प्याज तक खाना परहेज होता है। ऐसे में उनकी भावनाएं आहत हो सकती है। अपना नाम ढाबे के बाहर लिखें। बिजनौर जिले में देहरादून नैनीताल हाईवे पर 20 से ज्यादा ढाबे और होटल हिंदू देवी देवताओं और धार्मिक नामों से मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं। नजीबाबाद कोतवाली नगीना हाईवे पर अकबराबाद दौलताबाद गुनियापुर हुसैनाबाद गौसपुर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने श्री खाटू श्याम ढाबा, नीलकंठ फैमिली रेस्टोरेंट, हिमालयन ढाबा, सैनी रेस्टोरेंट, पंजाबी ढाबा, न्यू पंजाबी रेस्टोरेंट, शिव ढाबा नाम से अपने ढाबे संचालित किए हुए हैं। देहरादून हरिद्वार नैनीताल हाईवे पर होने की वजह से इन ढाबों पर हिंदुओं के धार्मिक नाम होने के कारण टूरिस्ट और धार्मिक श्रद्धालु यहां रुककर खाना खाते हैं, जिसके लिए ही राज्य मंत्री ने सभी को अपने होटल और ढाबे के नाम बदलने की नसीहत दी। जो मुस्लिम बंधु हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी दुकानें चलाते हैं, वो दुकानें अपनी चाहे हमें कोई आपत्ति नहीं, पर वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से ना रखें, क्योंकि जो बाहर से आने वाले कावड़ी हैं वो उस पर आकर के बैठते हैं, चाय पीते हैं, भोजन करते हैं, तो उसमें फिर विवाह का कारण बनता है, उनको पता लगता है। तो इस बात की भी कोई पारदर्शिता हो कि पुलिस को सुनिश्चित कर ले कि इसी प्रकार का ना हो, ताकि कोई विवाद का कारण मुजफ्फरनगर में या अन्य स्थानों पर ना हो। ढाबा व होटल संचालकों ने बताया। ये क्या नाम है आपके ढाबे का? श्री खाटू श्याम टूरी ढाबा। नाम क्या है आपका? नाम मेरा सोनू। नहीं, दूसरा नाम क्या है? इरशाद। इरशाद भाई, ये हमारे पार्टनर हैं। ये बताओ आप इरशाद भाई, रोहितास है। ये जो आपका इसमें रोडवेज की बसें वगैरह रुकती हैं या नहीं? प्राइवेट ही बस? प्राइवेट, ओनली प्राइवेट। टूरिस्ट ही आते जाते हैं? ओनली टूरिस्ट। क्या क्या चीज़ बनाते हैं, क्या क्या खिलाते हैं? तो शुद्ध शाकाहारी एकदम, यहाँ अंडा भी नहीं मिलेगा, नॉन वेज तो क्या अंडा भी नहीं मिल पाएगा। अच्छा, और इधर जो बराबर में ये है, ये किसका है? ये वे चला रहे हैं नारायणपुर के इसराइल। इसराइल और भाग वाले के शादी के। तो उन्होंने तो अपने ढाबे पे शुद्ध शाकाहारी लिख रखा, लेकिन दे रहे हैं वहाँ पे तो मुर्गा वगैरह सब बस कुछ। ये हम नहीं कह सकते इस बारे में हम नहीं कह सकते। नहीं, आपकी नज़र में क्या गलत नहीं है ये? नहीं, अगर बेच रहे हैं तो गलत है। आप मतलब आपकी जानकारी में भी नहीं है कि नहीं बेच रहे? नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? इरशाद नाम। कहाँ के रहने वाले? सौदलपुर से गाजी। तो ये जो ढाबा है पंजाबी ढाबा आपका ही है? ये ढाबा हमारा। कब बनाया है ढाबा? 1.5 साल हो गया बना। और ये जो दूसरा ढाबा है ये किसका है? वो छोटे भाई का। उनका क्या नाम है? इरशाद। ये कब से, उन्होंने कब से बना कर रखा? उन्होंने भी बनाया 2-3 साल हो गए। 1 साल हुआ उसको, 1 साल हुआ। काम वाम कैसे चल रहा है? काम कर के चल रहा है। क्या वजह हल्के काम की? बरसात चल रही है। ढाबा तो मेन रोड पे हाईवे पे है, अभी बरसात चल रही है, पब्लिक कमा जा रहा है लोग। खाना क्या क्या बनाते हैं आप? खाने में दाल मखनी, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, चिल्ली पनीर, सब आइटम बनाते हैं। रहता होटल बस काम थोड़ा हल्का चल रहा है। काम हल्का चल रहा है। ढाबे का नाम क्या है आपके? मेरे ढाबे का नाम पंजाबी ढाबा है। पंजाबी ढाबा। काम थोड़ा अभी हल्का है। कब तक बढ़ेगा काम? काम तो सावन का महीना चलेगा, इसमें बढ़ेगा बस। काम इसमें बढ़ेगा, ठीक है। और ये जो ज़मीन है, ये कितनी ज़मीन थी आपकी जिसमें ढाबा बना रखा? ये हमारी ज़मीन थी टोटल 20 बीघे। अच्छा, इसमें 6.5 बीघे चली गई रोड में। अच्छा, 3 बीघे चली गई नहर में। अभी 8-9 बीघे ज़मीन बची है। इसमें आपने ढाबा वगैरह बनाया? ये तो 8-10 बीघा ज़मीन है जिसमें ढाबा बनाया। काम अभी कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है, काम सावन आएगा तो चलेगा बढ़िया, तब तो भीड़ भाड़ खूब रहेगी। कहाँ के रहने वाले? दौलताबाद।
तो इससे पहले आपका ढाबा किस जगह था? ये पुराने रोड पर था सर। अब ये बनाया आपने? हाँ। किस तरह से चल रहा ढाबा? ढाबा हल्का चल रहा, काम वाम ना है। अब जैसे थोड़ा मौसम के बाद बरसात बरसात जैसे है, उसके बाद मौसम सही सा होगा तो काम पाएगा। सावन वगैरह चलेगी अब? हाँ, भीड़ भाड़ आएगी। अभी फिलहाल जो है इस समय पे हल्का चल रहा। तो आपके ढाबे का नाम क्या है? नीलकंठ फैमिली ढाबा रेस्टोरेंट। तो ये अब दोबारा से बना रहे हैं, लेकिन पहले फैमिली रेस्टोरेंट था ना। अब नीलकंठ काम जो है, ये बताओ क्यों बना रहे हो? वीडियो तो बनानी पड़ेगी, जब आप मालिक हो तो पूछेंगे भाई किस तरह का काम है, कहाँ से हो आप, ये तो बताओ। यहीं से ही है। वीडियो बना रहे हो तो आपको दिक्कत कोई नहीं है देखने के लिए? ढाबा चला तुम्हारी जमीन की, तुम्हें कितना मुआवजा मिला? ये भी पूछना भी, चलाते रहने दो। आप तो आप जो है किस विभाग से? हम पत्रकार हैं। अच्छा अच्छा, तो हम यही सर्वे कर रहे हैं। 32 मीटर तो रोड छुड़वा दी उन लोगों से। हाँ, 32 मीटर छोड़ रखी ना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ कहाँ के रहने वाले? हरिया वाले। और ये जो होटल है आपका, क्या नाम है इसका? न्यू पंजाबी ढाबा। कितने समय से काम कर रहे हैं आप ये? ये 2007 से कर रहे हैं, 8 से। पहले हाईवे ना आता तो उधर बाईपास निकल गया, उससे पहले उधर होटल चला हुआ था। पहले काम सही था, अब हाईवे पर आकर होटल ज़्यादा हो गए, काम नहीं, परेशान। होटल ज़्यादा हो गए इस लाइन से। आपके यहाँ पे लगभग कितनी गाड़ी आके रुकती होंगी, कितना ट्रैफिक वगैरह? सारी गाड़ियों का खर्चा भी ना निकलता, खर्चा ही निकलता लेबर का, लेबर का, बिजली का। वैसे जो है जो होटल लाइन का काम है, ये किस तरह का है? पहले सही था, अब सही ना। रात का जागना, पूरी 24 घंटे की परेशानी। कारोबार हो तो आदमी खुशी रहे। आपके ढाबे का नाम क्या है? न्यू पंजाबी ढाबा। न्यू पंजाबी ढाबा। और ये इस रोड पे लगभग कितने ढाबे होंगे? कोतवाली से नजीब आबाद तक का ही पता, 15-16 ढाबे। कहाँ के लोग हैं जिनके ढाबे हैं वो? बस कुछ यहाँ के हैं, कुछ बाहर के किराए पर ले रखे हैं जितने। कुछ लोकल लोग भी हैं? लोकल ही हैं ज़्यादातर ढाबे, लोकल वालों के। जी। और सही चल रहे हैं? बस जी, हमारा तो सही चल रहा है, एक दो ढाबा सही चल रहा है, खैरा वगैरह। भीड़ भाड़ तो रोड पे तो बतेरी आती है, सड़क तो बतेरी चल रही है, हाईवे तो बतेरा चल रहा है, चल रही है। होटल बहुत हो गए ना, तेज चल रहे हैं गाड़ी, भगी चली यहाँ। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ। Thank you.